कमाल हो गया, इतनी देर कहाँ लगा दी इसने। हाय चांदनी, हैरी, पहचाना मेरे को? जी। क्या चीज, कट पीस। कौन है आप? तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। इंडिया में मैं तुम्हारा कोई भी शो मिस नहीं करता था। हवा में मैं सिगरेट के धुएं के साथ जलेबी बनाया करता था। अरे तुम्हारे एक एक ठुमके पर हजारों रुपए की बसात कर देता था। व्हाट डांस, व्हाट परफॉर्मेंस, क्या चीज, कट पीस। लगता तुमने मेरे को पहचाना नहीं। मुझे जाना है। रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं भी इसी होटल में हूँ, रूम नंबर 702। अकेला हूँ। पुलिस भिजवा दूँ? अकेलापन दूर हो जाएगा। यूज़लेस। अब हम थक गए हैं। इस ट्रिप में हम इंग्लैंड और अमेरिका के सारे कारोबार वाइंड अप करके आपकी झोली में डाल देंगे। फिर हम यहाँ से हिंदुस्तान वापस जाएंगे, एक अच्छे खानदान की लड़की आपके लिए चुनेंगे, उससे आपकी शादी करवा देंगे। ठीक है दादाजी? आज इंडिया और पाक। लेट्स गो एंड वॉच इट फ्रॉम माय रूम, कम ऑन, लेट्स गो। राहुल, राहुल। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। कब तक मॉडलिंग पर अपनी जिंदगी गुजारती रहोगे? बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें राहुल जैसे रईस लड़कों की जरूरत तो पड़ेगी ना। आई अंडरस्टैंड मोनिका, आई अंडरस्टैंड। रिलैक्स, टेक इट इजी। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राहुल से चांदनी को अलग कर सकता हूँ परमानेंटली। उसके बाद तुम राहुल की बाहों में हमेशा के लिए जा सकती हो मेरी मदद से। और फिर राहुल से जो भी कुछ मिलेगा उसमें से थोड़ा मैं ले लूंगा। मुझे राहुल चाहिए। आई वॉन्ट राहुल। राहुल तुम्हें मिल जाएगा। सिंह साहब, मैं होटल छोड़ना चाहता हूँ, एक कमरा दीजिए ना मुझे। सिंह साहब, आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी होने के नाते कुछ कीजिए ना प्लीज। कॉरिडोर, सेवन क्वार्टर्स, आपका कमरा, आपका कमरा। काट दिया। राहुल, राहुल तुम भी कमा लो, मैं वहां नीचे तुम्हें आवाज। वैसे ही गड़बड़ हो चुकी है, अभी कमरा छोड़ जाना पड़ेगा हमें। क्यों, इस कमरे में क्या खराबी है? खराबी? अरे अच्छा ही क्या इस कमरे में, मुझे बताओ ना, अच्छा ही क्या इस कमरे में? ओ दैट ब्लडी वन सोफा, ट्राइंग टू स्लीप, कैन नॉट स्लीप सोफा। और ये इतना बड़ा बेड है जिसमें तुम अकेली सो रही हो, उसमें मैं सो नहीं सकता। अरे ये भी कोई हनीमून का बेड है, इतना बड़ा, एक पार्टी उस तरफ सो, एक पार्टी इस तरफ सो। अरे इससे अच्छा अपने अपने घर जाके सो जाना यार। और ये बाथरूम है, कोई बाथरूम है? चारों तरफ आने लगे, खुद ना और खुद अपने आप को देखो जैसे अभी आपने आपको देखा ना, ब्लडी परवर्टेड माइंड्स। और सुनो, हेलो, ये जो रूम है ना, ये तुम्हारे बजट के बहुत बाहर है और तुम्हें कोई डिस्काउंट का नहीं देने वाला मैं, पूरी जिंदगी कर्जे में निकल जाएगी। जाओ देखो कौन आया। ओके। बड़ी बैग लटकाती चली गई। अरे रुको रुको, ये पकड़ो, सिंह का फोन करो, मैं देख के आया। दादाजी आप इधर। बरखुदार, हम दोनों एक ही होटल में रहते हैं, आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। हमने सोचा क्यों नहीं हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहें। अच्छा विचार है ना हमारा। दादाजी ये कमरा तो मैं खुद छोड़ना चाह रहा हूँ। छोड़ना चाह रहे हैं? क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? दादाजी क्योंकि इस कमरे में भूत है। भूत? जी दादाजी, दादाजी, दादाजी इस कमरे में कुछ अजीब अजीब से किस्से हो रहे हैं। मैं लेटा हूँ, मेरे ऊपर कोई हवा में तैर रही है। हवा में तैर रही है? जी, ट्रे जा रहा है। ट्रे जा रहा है? जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन ले जा रहा है? मोगरे की खुशबू, पायल की झनकार। पायल की झनकार? दादाजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी वेट्रेस की आत्मा तड़प रही है टिप के लिए। वेट्रेस की आत्मा तड़प रही है टिप्स के लिए? क्या बकबक कर रहे हो तुम? अब हम आ गए हैं, दोनों साथ रहेंगे, कोई फिक्र करने की बात नहीं, चलो। दोनों नहीं, तीन, तीनों। सुना, सुना आपने? ये किसकी आवाज है? दादाजी उसी चुड़ैल की आवाज है। तुम पागल हो गए हो? नहीं दादाजी, दादाजी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस भरी जवानी में हार्ट अटैक से कहीं मर नहीं जाऊं। दादाजी, दादाजी हम दोनों इतने दिनों के बाद मिले, आप अलग मैं अलग, मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहते हैं आपके कमरे में। आप चलिए, मैं अपना सामान पैक करके आता हूँ। ओके। मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ नाश्ता। क्या खाएंगे आप? नाश्ता। आई कॉल फॉर इट, सामान लेकर फौरन चले आओ। एक्सक्यूज मी, आप हिंदुस्तानी हैं?
सफीसदी हिंदुस्तानी है क्यों? नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो बेटी, बैठो बैठो। थैंक यू। वो यहाँ पे कोई मंदिर होगा? मंदिर? भाई लंदन तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई वाकफियत नहीं कि मंदिर है कि नहीं। यहाँ आते हैं पूजा पाठ बिल्कुल ही भूल गई हूँ, क्या करूँ, कोई मंदिर ही दिखाई नहीं देता। तुम्हारी पूजा तो हो गई बेटी। क्या मतलब? पूजा के लिए मंदिर ढूंढना एक किस्म की पूजा होती है, और फिर जैसे मंदिर की तलाश होती है पूजा के लिए, भगवान तो उसके दिल में बसता है, दिल में। कहाँ की हो तुम? हिंदुस्तान की? मुंबई। बॉम्बे, गुड ऑल मुंबई। लंदन कैसा लग रहा है? बेहद खूबसूरत, लेकिन अपना देश फिर भी अपना देश होता है, और अपना खाना होता है। 3 दिन से इंडियन खाने के लिए तरस गई हूँ। हिंदुस्तानी खाना खाओगी? हम ले चलते हैं आपको हिंदुस्तानी खाना खिलाने। जी जी नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। अगर यही बात हम अपनी बेटी से कहते ना, तो हमारी बेटी सिर्फ इनकार नहीं करती, जिद करती, हमारा हाथ पकड़ कर कहती, कम ऑन टेक मी टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। अगर ऐसी बात है दादाजी, तो फिर ले चलिए हमें हिंदुस्तानी खाना खाने, अभी। लेट्स गो बेटी, लेट्स गो। ओके, चलो। वाह दादाजी वाह, ऐसा लग रहा है खाना लंदन में नहीं अपने देश में खाया हो, और वो भी अपने दादाजी के साथ। hey. ये दादाजी दादाजी ज्यादा तो नहीं हो रहा? नो नो नॉट एट ऑल। इसी बहाने हमें भी एक एक पोती मिल गई। वैसे हमारा एक एक ही पोता है, स्वीट है, लेकिन बहुत नालायक है, अव्वल नंबर का झूठा है। बात बात पर हमें बेवकूफ बनाता है और हम बन जाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी एक ही औलाद थी, उसकी और हमारी बहू की यह आखिरी निशानी है, हमारी जिंदगी का यही सहारा। उसकी गलतियों को अगर हम माफ नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? दादाजी बड़ा खुश नसीब है आपका पोता, जिसे आप जैसे चाहने वाले और नेक दिल दादाजी मिले, बड़ा खुश नसीब है। कहाँ चली गई थी तुम? ओ राहुल, करने तो पूजा गई थी, लेकिन पेट पूजा करके आ गई। अकेले? दादाजी मिल गए थे। दादाजी? अरे तुम्हें दादाजी कहाँ से मिल गए? राहुल बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे हैं। बड़े नेक इंसान है बेटा, तेरे दादाजी लग रहे मुझे तो। मोटे होंगे? हाँ। नीली नीली आंखें? हाँ बिल्कुल। सफेद बाल, दाढ़ी? हाँ। कुछ सोच बेटा, तेरे लग गए। राहुल तुम जानते हो उन्हें? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ज्यादा करके हर दादाजी ऐसे ही होते हैं, और अगर आप फिर से उन्हें कहीं मिलें, तो आप उन्हें अपनी जीवन कथा मत सुनाइए कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ ठहरी हैं और किसके साथ ठहरी हैं। क्यों? समझी? क्योंकि ये परदेश है, और परदेश के दादाजी इंडिया के दादाजी की तरह नहीं होते। लेकिन राहुल वो तो इस तरह के इंसान बिल्कुल ही नहीं है, और फिर मैंने तो उन्हें अपने बारे में इतना बताया ही नहीं जितना उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। ये बताया होगा ना कि मेरा पोता बड़ा ही नालायक है। यही बताया था। दादाजी के पेट में कोई बात नहीं रहती। एक काम करो, गाड़ी में बैठो, हम लोग चलते हैं। राहुल तुम जानते हो ना दादाजी को, तुम मिल चुके हो ना उनसे? अरे यार अक्सर दादाजी इसका हुलिया ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ के दादाजी और हिंदुस्तान के दादाजी तो बहुत फर्क है। यहाँ वालों की नियत खराब होती, समझी? अरे डर लगता है यार कि कहीं बेटी वेटी बोलकर हाथ वाथ नहीं फिरा दे। और सुनो, जिस पे तुमको भरोसा करना है उस पे तो तुम कर नहीं रही हो, और जाके एक बुड्ढे पे, देखो एक बुड्ढे से मैं तुम्हें बचा चुका हूँ, आप दूसरे बुड्ढे से नहीं बचाऊंगा, क्योंकि बचा नहीं पाऊंगा। हाँ तो मत बचाना, तुम क्या समझते हो अपने आप को, एक तुम ही नहीं हो लंदन में, मैं दादाजी के साथ रह लूंगी। अरे सुनो, बार बार सुनाता रहता है। अरे ये दादाजी जवानी में मुझसे भी 4 कदम आगे थे। बिल्कुल नहीं सुनिए तुम्हारी बातें मुझे, मेरे पीछे मत आना अभी। चांदनी? ओ चांदनी जी, दादाजी। दादाजी इधर आओ, इधर आओ, आप भी इधर आइए। तुम कहाँ जा रही हो? और आप इनके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? क्यों क्यों है? आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? जी दादाजी, ये दादाजी मेरी दादाजी आपकी बहू है।
क्या कहा? कम अगेन? आपकी बहू है, मैंने से शादी की है। आपने शादी कर ली? हम्म, हमें एक फोन तक नहीं किया आपने और शादी कर ली? दादाजी मैंने शादी नहीं की, मैंने एक जिंदगी बचाई है। ऐसा हुआ कि मैं एक दोस्त की शादी में गया, दोस्त क्या, वो तो एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान निकला, और इनकी शादी उससे हो रही थी जी। फेरे होने से पहले उसने इनसे कुछ 10 लाख रुपए दहेज मांगे। अब ये बेचारी गरीब, दादाजी गरीब, ये गरीब खानदान से। इसके बाप ने उस जानवर के सामने अपनी पगड़ी निकाल के रख दी कि हमारे पास पैसे नहीं दूल्हे राजा, लेकिन वो कमीना माना नहीं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनका हार्ट फेल हो गया, वो मर गए। राहुल तुम चुप रहो, मैं बोलता हूं। ये देखकर इनकी मां भी मर गई, ये खुदकुशी करने चली गई थी। मैंने इनको रोका दादाजी, मैंने इनको रोका, मैंने कहा मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे दादाजी है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, हमें नहीं चाहिए दहेज वहेज। ये कह के मैंने उन्हें बचा लिया, लेकिन उनके मां बाप को नहीं बचा पाया। काश मैं उन्हें भी बचा पाता। आप ही कहिए दादाजी, मैंने सही किया गलत? दादाजी मैं आपको सब कुछ, नहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल मैं अपने दादाजी को जानता हूँ। चांदनी बिटिया आओ पैर छूए। राहुल दादाजी, दादाजी सर नमस्ते। चांदनी जी, दादाजी बैठे। सर दादाजी आप कब आए? सर मिस्टर सिंह आप यहाँ क्यों आए? मैं तो ऐश। ऐश ऐश काम सर। ऐश कहने आते थे यहाँ पे दादाजी, मैंने से फैक्सी सिलसिले बुलाया था। ओ कारोबार के सिलसिले में? तो मेरे साथ सीसी पटेल भी आए हैं, तो उन्होंने आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। मैं से ये था कि आप शो की तैयारी करें। ये सीसी पटेल कौन है? दादाजी ये इनके मामा है। मामा? चांदनी जी आपने बताया नहीं कि सीसी पटेल आपके मामा है। ये चांदनी जी, चांदनी जी क्या लगा रखी है आपने? भाभी जी क्यों नहीं बोलते है? ओ, सर आपने बताया नहीं कि आपने शादी कर ली है? आपने इनसे भी छुपा रखा है? दादाजी मजाक कर रहा है। ये मजाक का वक्त नहीं है मिस्टर सिंह। नहीं सर मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने शायद भंगड़ा भी डाला शादी में। और वो किस शो की बात कर रहे थे आप? दादाजी इनके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि ये एक बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर बने, इसलिए इनके मामा ने यहाँ पे एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, छोटा सा, जिसमें ये परफॉर्म करेंगी। सर आपने बताया नहीं कि ये भरतनाट्यम भी जानती है। दादाजी इसे बताइए कि ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ये मजाक का वक्त नहीं है मिस्टर सिंह, आप मेरे साथ आइए, बिजनेस की बात करनी है। चलिए मेरे साथ। दादाजी 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 गए, उनके ग्रैंडसन यहाँ पर हैं। बोलिए चांदनी जी कैसा लगा आपको मेरा परफॉर्मेंस?